कोई अहर्ता होगा, उनका अपना बनावट ऐसा होगा, छाटने के नियम ऐसे होंगे, क्या है हमें जानकारी नहीं रह गया कि लगातार छाटने का। तो भाई हम इतना ही कह सकते हैं कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बिहार हो रहा है, क्योंकि तो पहली बार थोड़ी हो रहा है बिहार। लेकिन आखिर बिहार अस्मिता के लिए ढंग से है तो बिहार के अस्मिता के लिए पूरा बिहारवासी को सोचना होगा कि अगर आप कोई चीज़ अपना प्रोजेक्शन देना चाहते हैं और वो प्रोजेक्शन नहीं दे रहे हैं तो अकारण, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग को जैसे छाटा गया तो बेस भी आप लोग को बताना चाहिए कि क्यों छाटा गया। ये अच्छा हुआ जो आपने हमें बताया, लेकिन ये कहीं ना कहीं नियम नहीं है। जैसे पूरे देश में चले जाइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन मिलेगा, तो आपके चैनल पर हम बोल दें, पता चलेगा कि हम अप्लाई करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बिहार वासी को अब अलर्ट होने की ज़रूरत है ना। हर एक MP चाहे 40 माने हमारे जितने भी MP हैं, सबों को इस बात की रखनी चाहिए कि बिहार के अस्मिता के साथ कोई धोखा नहीं करे। हर एक पार्टी के MP को एकजुट होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो हम इतना ही कहते हैं कि बिहार के हैं कि नहीं, अपना प्रश्नवाचक चिन्ह। सर एक सवाल।